चलिए पार्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सेकंड है हमारा, जो हमारे ऐसे था उसके परिप्रेक्ष्य में नेक्स्ट हमारा मूव चल रहा है। देखिए क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता बढ़ते आतंकवाद और अलगाववाद को शामिल और परिभाषित किया गया है। देखिए किसको, सोरिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, पहले नहीं था लेकिन अब आ गया, तो इसको अपन को मेंशन करना पड़ेगा। सोरिंग टेररिज्म, सोरिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म, सोरिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म आर इंक्लूडेड एंड डिफाइंड, शामिल भी कर दिया गया है और आपका आर या हैव बीन कर लेना यहाँ पर कर दिया गया है। हैव बीन पैसिव में आप हैव बीन, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंड डिफाइंड, ये इसका अच्छा स्टेप है। इससे आतंकवाद को और अच्छी डेफिनेशन मिली है। सोरिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म हैव बीन इंक्लूडेड एंड डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता, यानी नए कानून को मेंशन करना पड़ेगा किसमें साहब इसको इंक्लूड किया गया है, और जो देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालता है, विच पुट इन डेंजर, विच से आप जोड़ेंगे, विच पुट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, इंटीग्रिटी, विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी, सवर्निटी, विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी इंटू डेंजर ऑफ ऑफ कंट्री, इंटू डेंजर देश के लिखा है अपन ने, ऑफ कंट्री इंटू डेंजर। नए कानून के परिपेक्ष में अपन रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी कर रहे हैं, थोड़ा सा जुडिशरी का रिफॉर्म भी, तो दो ऐसे एक साथ तैयार होगी यहाँ पर। विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी ऑफ कंट्री इंटू डेंजर, जो खतरे में डालता है देश की अखंडता और संप्रभुता को। विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी ऑफ कंट्री इंटू डेंजर, आगे ये अधिनियम राजद्रोह का विध्वंस करता है, मतलब इस सेक्शन को उठाया इन्होंने लेकिन दूसरे में डाल दिया, थोड़ा सा ये थोड़ा ने अच्छा भी किया है बुरा भी किया है। दिस एक्ट एनिलिएट्स, विध्वंस का मतलब समाप्ति कर रहे हैं यहाँ से। दिस एक्ट एनिहिलेट्स, एनिहिलेट्स अच्छा वर्ड है, काफी काम आएगा, विध्वंस करना। NINHILATES, ये एक्ट विध्वंस करता है, समाप्त करता है, वाइप आउट करता है किसको, सेडिशन थरोली, राजद्रोह को, सेडिशन थरोली, राजद्रोह को पूर्ण रूप से ये सेक्शन क्या करता है, समाप्त करता है, विध्वंस करता है जो क्या किया करता था। ये धारा जिसकी व्यापक रूप से आलोचना हो रही थी, सब कह रहे थे कि साहब कुछ भी बोलते अरेस्ट कर लेते हैं, ये कैसा सेक्शन हुआ, विच वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, विच वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, जिसकी आलोचना हो रही थी, विच वाज बीइंग पैसिव में आप, विच वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, किसकी आलोचना हो रही थी, विच वॉज बी क्रिटिसाइज्ड या डिनाउंस्ड, डिनाउंस भी आलोचना करना, क्रिटिसाइज भी आलोचना करना, दोनों का मतलब है आलोचना करना। विच वॉज बी क्रिटिसाइज और डिनाउंस, जिसका विध्वंस कर दिया गया, जिसकी आलोचना हो रही थी थरोली, बहुत वाइडली हो रही थी, व्यापक, थरोली जिसकी आलोचना हो रही थी, थरोली भी कर सकते हैं आप और वाइडली भी कर सकते हैं आप, व्यापक रूप से। एनिलिएट विध्वंस करना, थरोली पूर्ण रूप से, थरोली या वाइडली व्यापक रूप से, इस सेक्शन की जो सेडिशन था इस नई न्याय संहिता में, इसको जिसे कहते हैं खत्म कर दिया गया।
ये धारा भाषण की स्वतंत्रता विचारों की असहमति पर अंकुश लगाया करती थी. दिस सेक्शन यूज टू रेन ओवर. ये धारा दिस सेक्शन यूज टू आपके भूतकाल की, अब वो खत्म ही हो गई है. दिस यूज टू रेन ओवर. रेन ओवर प्रतिबंध लगाना, बैन करना. रेन ओवर भी कर सकते हैं, बैन ओवर भी कर सकते हैं. बैन ओवर किस पर प्रतिबंध लगाया करती थी वो देखिए आप. दिस सेक्शन यूज टू रेन ओवर लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड डिसेंट. दो चीजों पर, लिबर्टी ऑफ स्पीच, कुछ सरकार के खिलाफ बोलती लपेट देती थी वो. लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ स्पीच पर प्रतिबंध लगाया करती थी. और असहमति पर, कोई भी सरकार से हमारा डिसेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया और हमने कुछ बोल दिया तो हम लपेटे में आ गए. डिसेंट और डिसएग्रीमेंट. आज का पहला पैरा. सॉरी टेररिज्म सेपरेटिज्म हैव बीन इंक्लूडेड और डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवरनिटी ऑफ कंट्री इन टू डेंजर. इंटीग्रिटी एंड सवरनिटी ऑफ कंट्री इन टू डेंजर. दिस एक्ट एनिलेट सिडिशन थ्रोली विच वाज बी क्रिटिसाइज एंड डिनाउंस थ्रोली या वाइडली. दिस सेक्शन यूज टू भूतकाल की कोई भी आदत, यूज टू रेर या बेर ओवर लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड डिसेंट या डिसएग्रीमेंट, जो असहमति पर प्रतिबंध लगाया करती थी. सेकेंड पैरा पर घूमिए. डिसएग्रीमेंट ऑफ थॉट, और कर दीजिए विचारों की असहमति पर. विचारों की असहमति पर प्रतिबंध लगाया करती थी सिडिशन वाली धारा, जिसको इस तरीके से यहाँ पर इसको एनल कर दिया गया, यहाँ पर इसको रिपील कर दिया गया. ये न्याय कानून न्यायिक प्रणाली में समुद्र मंथन का काम करता है. इंपोर्टेंट कर लेना लाइन को, हिंदी इंग्लिश दोनों में इंपोर्टेंट कर लेना. पूरे हिला डाला पूरे सिस्टम को, इसीलिए ट्रेनिंग चल रही है. दिस न्यू लॉ, दिस द न्यू लॉज कर लीजिए. ये कानून वर्क एज चर्निंग अप ओशियन. समुद्र मंथन को इंग्लिश में लिखेंगे चर्निंग अप ओशियन. समुद्र मंथन का काम करते हैं. हिंदी में भी अच्छी वर्डिंग, इंग्लिश में भी अच्छी वर्डिंग. पूरे सिस्टम को हिला डाला, इसीलिए ट्रेनिंग चल रही है. द न्यू लॉज वर्क एज कर लेना. द न्यू लॉ वर्क एज की तरह काम करता है, समुद्र मंथन की तरह. वर्क एज चर्निंग अप ओशियन समुद्र मंथन का काम करता है, समुद्र मंथन की तरह काम करता है. इन जुडिशियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली में पूरे सिस्टम को हिला डाला, इतने लॉज आ गए. जुडिशियल सिस्टम समुद्र मंथन एक बहुत अच्छा वर्ड. समुद्र मंथन आला, पूरे सिस्टम को हिला डाला. अमृत एक तरफ और विष एक तरफ. न्यू लॉज वर्क एज चर्निंग अप ओशियन जुडिशियल सिस्टम. ये नए कानून समुद्र मंथन का काम करते हैं आपके न्यायिक प्रणाली में, या करेंगे तो विल लगा देना. बॉब लिंचिंग बहुत अच्छा इन्होंने किया है. बॉब लिंचिंग एक भीभत्स और घिनौना अपराध है, जो समाज के माथे पर एक कलंक, अभिशाप और दाग है. बॉब लिंचिंग एक भीभत्स और घिनौना अपराध है. विभत्स हो गया हेनास, ग्रूसम हो गया घिनौना, कलंक हो गया स्टिग्म, अभिशाप हो गया स्कर्ज और दाग हो गया स्कार. पांच वोकैब को एक साथ लेनी है आपको. बॉब लिंची कैसा अपराध है? घिनौना और विभत्स. किसी भी इनोसेंट को फालतू मार दिया गया, इसके ऐसे की आने संभावना बहुत अच्छी है. बॉब लिंची इज क्या क्या है? ए हेनास, हेनास एंड ग्रूसम क्राइम. हेनास एंड ग्रूसम क्राइम एक घिनौना और विभत्स अपराध है. दोनों को साथ चलेंगे दो वर्ड बढ़ जाएंगे हमारे, हेनास और ग्रूसम से. एक घिनौना और विभत्स अपराध है. कॉन मॉब लिंचिंग जो बिल्का बिल्कुल आपका नया ऑफेंस भी है और कानून भी इसका नया डाल दिया. मॉब लिंचिंग इज हेनास एंड ग्रूसम क्राइम. मॉब लिंचिंग एक घिनौना और विभत्स अपराध है. घिनौना और विवश अपराध है. विच इज स्टिग्म स्कर्ज एंड स्कार ऑन फोरहेड ऑफ सोसाइटी. जो दाग है, कलंक है, अभिशाप है. विच इज क्या क्या है? बड़े आराम से. सबसे पहले बोला इन्होंने कलंक, तो हमने लिख दिया स्टिग्म.
जो कलंक है, स्टिग्म है, सबसे पहला। दूसरा इन्होंने कहा अभिशाप, स्कर्ज, स्कर्ज। एंड तीसरा लिखा इन्होंने दाग, स्कार। तीनों एस पर हैं, ये थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन। एस एस एस, स्टिग्म, स्कर्ज एंड स्कार। जो एक कलंक है, अभिशाप है, जो दाग है, किस पर? वो है आपका समाज के माथे पर, ऑन फोर हेड ऑफ सोसाइटी। ऑन फोर हेड, फोर हेड यानी माथा, ललाट अपना, फोर हेड ऑफ सोसाइटी। ये वो कंटेंट है जो काफी जगह घुमा सकते हैं अपन। ऐसे का नाम कोई भी हो, कनेक्टिविटी लेगा जुडिशियल से। बस सोरिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म हैव बीन इंक्लूडेड एंड डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता, विच पुट इंटीग्रिटी एंड सवरेनिटी ऑफ कंट्री इन टू डेंजर। दिस एक्ट एनिहिलेट्स, ये विध्वंस कर देता है, सेडिशन थरोली, राजद्रोह का पूर्ण रूप से, विच वॉज बींग क्रिटिसाइज थरोली या वाइडली, जिसकी व्यापक रूप से आलोचना हो रही थी। दिस सेक्शन यूज टू रेन या बैन ओवर लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड डिसेंट या डिसएग्रीमेंट ऑफ थॉट। और ये जो सेक्शन था जिसे सेडिशन कहा, ये आपके बोलने की स्वतंत्रता पर और विचारों की असहमति पर प्रतिबंध लगाया करता था। द न्यू लॉज वर्क एज चर्निंग अप ऑपोजिशन जुडिशियल सिस्टम, वो एक समुद्र मंथन की तरह काम करता है आपके जुडिशियल सिस्टम में। मॉब लिंचिंग इज ए हेनस एंड ग्रूसम क्राइम, विच इज स्टिग्म, स्कर्ज एंड स्कार ऑन फोर एंड ऑफ सोसाइटी। विच इज स्टिग्म, स्कर्ज एंड स्कार ऑन फोर एंड ऑफ सोसाइटी। ये तीन वो वर्ड्स हैं जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जहां पर भी चाहें, जो समाज के लिए कलंक है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। मॉब लिंचिंग में भी ये तीन शब्द आ जाएंगे जब मॉब लिंचिंग को यूज करेंगे। मॉब लिंचिंग एक स्टिग्मा है, स्कार्ज है, स्कर है, उसी ऐसे में पूरी लाइन घूम जाएगी। ये मॉब लिंचिंग इज ए हेनस एंड ग्रूसम क्राइम, विच इज स्टिग्म, स्कार्ज एंड स्कार ऑन फोर एंड ऑफ सोसाइटी। ऑनर किलिंग इज ए हेनस एंड ग्रूसम क्राइम, विच इज ए स्टिग्म, स्कार्ज एंड स्कार ऑन फोर एंड ऑफ सोसाइटी। पॉक्सो इज ए हेनस एंड ग्रूसम क्राइम, विच इज स्टिग्म, स्कार, स्कार्ज एंड स्कार ऑन फोर एंड ऑफ सोसाइटी। कोई भी ऐसा क्राइम जो मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन हो, मानवता के लिए एक चैलेंज हो, वहां पर हमें मॉब लिंचिंग को हटाकर उन वर्ड्स को एज इट इज काम में ले लेंगे, तो हमारे एक अच्छा खासा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। स्टिग्म प्रेजेंटेशन में ए नहीं आएगा, स्कार्ज एंड स्कार ऑफ सोसाइटी। कलंक है, अभिशाप है और दाग है हमारे समाज के माथे पर, नेशन के माथे पर। फिर क्या हुआ? ये अधिनियम ऐसे घटिया अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। सेंटेंस को अल्टीमेटली पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा, सॉरी एक्टिव में जाना पड़ेगा। सुनाता है, एक्टिव पैसिव का अंतर लिखते समय थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे आप लोग कि एक्टिव कहाँ चलेगी, पैसिव कहाँ चलेगी, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा हैंड अच्छा रोटेशन लेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो अपराध है, ये अधिनियम ऐसे घटिया अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। दिस एक्ट प्रोनाउंसेस कैपिटल पनिशमेंट। ये जो एक्ट आया है, ये जो नया अधिनियम आया है, दिस एक्ट क्या करता है? सुनाता है, प्रोनाउंसेस क्या सुनाता है? कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा सुनाता है। कैपिटल पनिशमेंट को सुनाता है काहे के लिए? कैपिटल पनिशमेंट किस चीज के लिए? फॉर सच सॉर्डिड ऑफेंस, ऐसे घटिया अपराध के लिए। और सच मॉब लिंचिंग, जिससे घटिया कोई अपराध नहीं है, एक इनोसेंट को विदाउट एनी रीजन मार दिया जाता है, सॉर्डिड ऑफेंस। लेकिन नए उसमें इंक्लूड किया, उसको डिफाइन किया, उसके लिए सजा तय की। दिस एक्ट प्रोनाउंसेस कैपिटल पनिशमेंट फॉर सच सॉर्डिड ऑफेंस। ये सुनाता है आपका कैपिटल पनिशमेंट ऐसे घटिया अपराधों के लिए। और महिलाओं के साथ शादी के नाम पर झूठे वादे किए जाते हैं, महिलाओं के साथ शादी के नाम पर झूठे वादे किए जाते हैं। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा, क्योंकि किए जाते हैं करने वाले का पता नहीं। बड़े आराम से उठाइए, झूठे वादे, फेक कमिटमेंट्स, फेक कमिटमेंट्स,
फेक कमिटमेंट्स, झूठे वादे आर डन विथ विमेन, औरतों के साथ झूठे वादे किए जाते हैं, आर डन विथ विमेन, औरतों के साथ किए जाते हैं झूठे वादे किसके नाम पर, बड़े आराम से पैसे में चलना है, कमिटमेंट आर डन विथ विमेन इन द नेम ऑफ मैरिज, शादी के नाम पर कि शादी कर लेंगे और उसे वो धोखा देता रहता है, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ मैरिज, शादी के नाम पर झूठे वादे किए जाते हैं औरतों से और उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, फिर पैसे भी चलिए आप, एंड उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड फिजिकली, शारीरिक शोषण किया जाता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड यानी इनडायरेक्टली रेप और इस तरह की घटनाएं, एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जाता है फिजिकली, शारीरिक रूप से। तो इस कानून ने क्या कहा, ऐसा होता है तो द फेक कमिटमेंट्स आर डन विद वीमेन इन द नेम ऑफ मैरिज एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड फिजिकली। ध्यान रखना है दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस इसमें है, किया जाता है करने वाले का दूर दूर तक पता नहीं, दोनों सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस में है, दे आर एक्सप्लॉइटेड फिजिकली। और तो 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट इज प्रनाउंस टू प्रिवेंट सच चिटिंग, ऐसे धोखे को रोकने के लिए 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। कैन भी कर देना, यहाँ पर मे भी कर देना, सुनाई जाती है भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट, शादी करेगा और उसे एक्सप्लॉइट करेगा, 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट में भी संभावना है, मे बी प्रनाउंस थर्ड फॉर्म में आप, लेकिन पैसिव के मॉडल की में प्रनाउंस, 10 ईयर्स इंप्रिजनमेंट मे बी प्रनाउंस फाइन के लिए, टू प्रिवेंट सच चिटिंग, ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट, ये इंटरव्यू का भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में क्वेश्चन घूमेगा इससे, टू प्रिवेंट सच चिटिंग, ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 वर्ष की कारावास सुनाई जा सकती है। जब महिला से वादा किया कि शादी करेंगे और उसका फिजिकल और मेंटल एक्सप्लोटेशन हुआ, तो ऐसे ऑफेंस के लिए, इसको रेप में तो काउंट वो बोले कि तो रेप आएगा, लेकिन बोले साहब मेरे को तो शादी के नाम पर धोखा दिया और मेरा फिजिकल और मेंटल एक्सप्लोटेशन हुआ, तो उसको 10 साल की कारावास सुनाई जा सकती है ऐसी चीटिंग के लिए, ऐसी धोखाधड़ी के लिए। फिर देखिए कहानी क्या कहती है, यदि कोई अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा से संबंधित है तो पुलिस का वो मामला वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करना पड़ेगा। अच्छा नॉलेज, इफ एनी ऑफेंस रिलेटेड विद 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर्स, वो बोलता जाएगा, हम लिखते जाएंगे, इफ एनी ऑफेंस, कोई भी अपराध, इफ एनी ऑफेंस इज रिलेटेड विथ क्या है, 7 साल या उससे अधिक, 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स, यदि वो वापस लेना चाहता तो अच्छे से उसे परामर्श करना पड़ेगा, भाई लेना ही है क्या तेरे को, ऐसा तो नहीं तू किसी प्रेशर में है। इन एनी ऑफेंस इज रिलेटेड विद 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल या 7 साल की सजा से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट, तो क्या करेगी पुलिस, द पुलिस विल हैव टू कंसल्ट और कन्फर्म विथ विक्टिम, अच्छे से करेगी उससे, भैया कोई तेरे पर प्रेशर तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशराइज होकर काम करना है, द पुलिस विल हैव टू, फिर आ गया विल हैव टू में, द पुलिस विल हैव टू परामर्श करना पड़ेगा, भविष्यकाल की मजबूरी, द पुलिस विल हैव टू कंसल्ट विथ, लोका भी अच्छा नॉलेज चल रहा है तो आपका वो भी कंसल्ट विथ और कन्फर विथ, कंसल्ट विथ और कन्फर विथ विक्टिम, विक्टिम से अच्छी तरीके से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, किससे पहले, विक्टिम इसमें एक वर्ड और जोड़ दो, केयरफुली, बहुत सावधानी से, जित जल्दी भी कर सकते हो कल वाला वर्ड, केयरफुली
और जिंजरली, इससे थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। जिंजरली बिफोर, क्या करने से पहले, मामले को वापस लेने से पहले, बिफोर विथड्रॉ द मैटर, बोले साहब मैटर वापस लूंगी या लूंगा, जो भी है व्यक्ति में, तो भैया पहले कंसल्ट करेगी, वास्तव प्रेशराइज तो नहीं है आपके ऊपर। एक नया प्रावधान, और क्या प्रावधान है, यदि कोई अपराध 7 सालों से अधिक सजा का है तो पुलिस को सलाह मशवरा करना पड़ेगा सावधानी से, उस मामले को वापस लेने से पहले एक नई नॉलेज आपके सामने, द पुलिस विल हैव टू कंसल्ट विद और कन्फर्म विद विक्टिम, विक्टिम केयरफुली और जिंजरली बिफोर विदड्रॉ द मैटर, उस मामले को वापस लेने से पहले। ये नए कानून के कुछ अच्छे पॉइंट्स। फिर क्या कहता है, देखिए आप, फरार अपराधी कानून की गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब आ गए फरार अपराधियों पर, क्या करना है फरार अपराधियों के साथ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये क्या कहता है, ये कानून अपराधियों को, फरार अपराधियों को सजा सुनाने की अनुमति देता है, जो नया कानून आया, दिस लॉ परमिट्स। ये भी अच्छा है इसका नॉलेज, पहले साहब एब्सकॉन्डर घोषित कर दो, अब बोले नहीं सजा ही सुना दो। परमिट्स, दिस लॉ परमिट्स, क्या परमिट्स में ऐसा आएगा, क्या प्रनाउंसिंग पनिशमेंट, यहाँ पर देखो 2+V1 नहीं आएगा, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, प्रनाउंसिंग, प्रनाउंसिंग सुनाना, परमिट के बाद 2+V1 नहीं आएगा, प्रनाउंसिंग पनिशमेंट, सजा सुनाने की परमिशन देता ही है, प्रनाउंसिंग पनिशमेंट, ऐसा नहीं उसका इंतजार करेगा, प्रनाउंसिंग पनिशमेंट टू द एब्सकॉन्डर्स, टू द एब्सकॉन्डर्स, फरार अपराधियों को, भगोड़ों को ये सजा सुनाने की परमिशन देता है नया एक्ट। जो इसके मूल परिवर्तन हुए उसी को आप डिस्कस कर रहे हैं हम, द पुलिस विल हैव टू कंसल्ट विद और कन्फर्म विद विक्टिम केयरफुली और जिंजरली बिफोर विदड्रॉ द मैटर, दिस लॉ परमिट्स, परमिट के बाद 2+V1 नहीं आएगा, अगला वर्ड आएगा वो ING फॉर्म में ही आएगा, दिस लॉ परमिट प्रनाउंसिंग पनिशमेंट, वो सजा सुनाने की परमिशन देता है टू द एब्सकॉन्डर, भगोड़े लोगों को, फ्यूजिटिव लोगों को, ऐसा नहीं पहले की तरह इंतजार करेगा, कुछ भी करेगा। और फरार अपराधी कानून की गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं वो चले गए जैसे पहले लोग चले गए, क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होना जाना। अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है ये जो भी हमारा प्रोसेस है नया, तो क्या कहता है, देखिए आप, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव भी भगोड़ा जो कानून की गिरफ्त से बाहर है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, भगोड़े अपराधी जितने भी हैं कानून की गिरफ्त से जो बाहर हैं, वो मजाक नहीं कर सकते। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट, कैन नॉट जगल विथ, जगल विथ मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत अच्छा वर्ड है, जगल विथ का मतलब है खिलवाड़ करना, आज इसका यूज भी हो गया, प्रकृति के साथ हो सकता है, कानून के साथ हो सकता है, लीगल प्रोसीडिंग के साथ होता है, मजाक थोड़ी है लीगल प्रोसीडिंग, उसके हमें फॉलो करना पड़ेगा। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स कैन नॉट जगल विथ, क्या नहीं कर सकती किसके साथ, डिग्निटी ऑफ लॉ, कानून की गरिमा के साथ, ऐसा नहीं कोई भी आएगा उसका गेम खेल के चला जाएगा, डिग्निटी, जगल विथ डिग्निटी ऑफ लॉ, कानून की गरिमा के साथ कोई भी भगोड़ा अपराधी खिलवाड़ नहीं कर सकता, जगल विथ नहीं कर सकता, किसके साथ, डिग्निटी ऑफ लॉ, कानून की गरिमा के साथ। इस दिशा में महत्वपूर्ण और कठोर कदम है, दिस इज मन में बुरा दिशा में महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, कठोर, स्टर्न, मन में वॉकअप को घुमा लो पहले पहले, अब आज सीख लो, दिस इज सिग्निफिकेंट एंड स्टर्न स्टेप, दिस इज महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट एंड कठोर, स्टर्न स्टेप, इसकी तरफ, इस दिशा में, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस दिशा के प्रति ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किसाब एब्सकॉन्डर को भी, फ्यूजिटिव को भी क्या दी जा सकती है, सजा सुनाई जा सकती है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण स्टर्न सख्त, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण स्टर्न सख्त, फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डर का सिमिलर है,
कोई भगोड़ा कानून को चकमा नहीं दे सकता। एनी फ्यूजिटिव कैन नॉट ब्लफ द लॉ, ब्लफ हमारे आ चुका है। एनी फ्यूजिटिव कैन नॉट को बुलाओगे, कैन नॉट ब्लफ द लॉ, कोई भी भगोड़ा कानून को चकमा नहीं दे सकता। फ्यूजिटिव पर अच्छा खासा इन्होंने ड्रॉ किया है। एनी फ्यूजिटिव कैन नॉट ब्लफ द लॉ, कोई भी भगोड़ा कानून को चकमा नहीं दे सकता। क्यों? एनी सॉरी ब्लफ द लॉ, इट कम रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, ये भी लिख लेना, इट कम रेन और शाइन, इट कम रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, कोई भी भगोड़ा कानून को ब्लफ नहीं कर सकता। कोई भी भगोड़ा कानून को ब्लफ नहीं कर सकता। एनी एब्सकॉन्डर कैन बी शेकल्ड बाय दिस लॉ, एनी एब्सकॉन्डर कैन बी शेकल्ड बाय दिस लॉ, उसे आपके बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है। एनी एब्सकॉन्डर कैन बी शेकल्ड बाय दिस लॉ, उसे गिरफ्त में लिया जा सकता है। पैसे में जाएंगे आप, एनी एब्सकॉन्डर कैन बी आया क्योंकि पैसे है, कैन बी शेकल्ड, पैसे में जाना जरूरी है, शैकल्ड गिफ्ट में लेना, बाय दिस लॉ, इस कानून के द्वारा आपका किसी भी कानून को गिरफ्त में लिया जा सकता है। और ये कानून पुलिस को जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है, अंडरलाइन कर लेना, ये कानून पुलिस को जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट। दिस लॉ मेक्स द पुलिस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अमेनेबल, इंपॉर्टेंट कर लेना, दिस लॉ मेक्स, बनाता है ये, मेक्स द पुलिस, क्या बनाता है वो देखिए आप, मेक्स द पुलिस बहुत ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एमेनेबल, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। रेस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार होता है, एमेनेबल होता है जवाबदेह। अमेनेबल और रेस्पॉन्सिबल लगभग एक जैसा वर्ड है, बस थोड़ा सा यूज का फर्क है। रेस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार, अमेनेबल होता है जवाबदेह, दोनों साथ एक ही जाति के वर्ण हैं, एक ही प्रजाति के वर्ण हैं। रेस्पॉन्सिबल होगा आपका जिम्मेदार, अमेनेबल होगा जवाबदेह, जो जिम्मेदार होगा वो जवाबदेह होगा, जो जवाबदेह होगा वो जिम्मेदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई हमारी डबल थिंकिंग नहीं है। दिस लॉ मेक्स द पुलिस, ये कानून बनाता है पुलिस को कैसा, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एमेनेबल, मोर ट्रांसपेरेंट एंड एमेनेबल, बहुत अधिक पारदर्शी और जवाबदेह, पुलिस को बहुत अच्छा इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। और पुलिस को शिकायत की स्थिति में 90 दिन में कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा, और इन्होंने थोड़ा सा अच्छा लिया है, और अच्छा ही लिया है। द पुलिस विल हैव टू इन्फॉर्म पुलिस इन द पुलिस विल हैव टू इन्फॉर्म कोर्ट विद इन 90 डेज इन द केस ऑफ कंप्लेन, एक और इनका एक नया स्टेप, द पुलिस विल हैव टू, आप फ्यूचर में आ गए मजबूरी में, द पुलिस विल हैव टू इन्फॉर्म कोर्ट, करना पड़ेगा इन्फॉर्म, भविष्यकाल की मजबूरी, इन्फॉर्म कोर्ट, उन्हें सूचित करना पड़ेगा विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर, इन द केस ऑफ कंप्लेन, शिकायत की स्थिति में, इन द केस ऑफ कंप्लेन, ये हमारा इस पार्ट का आखिरी पैरा। और अगला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला, इससे भी खतरनाक, नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स कैन नॉट जगल विद डिग्निटी ऑफ लॉ, भगोड़े अपराधी कानून की गरिमा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जगल विद डिग्निटी, आपकी इज्जत, उसका ऑनर। दिस इज ए सिग्निफिकेंट एंड स्टर्न स्टेप, ये एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम है टुवार्ड द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के प्रति। एनी फ्यूजिटिव कैन नॉट ब्लफ द लॉ, कोई भी फ्यूजिटिव चकमा नहीं दे सकता। इट कम रेन और शाइन, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। एनी एब्सकॉन्डर कैन बी शैकल्ड बाय दिस लॉ, किसी भी अपराधी को, किसी भी भगोड़े को इस कानून के द्वारा गिरफ्त में लिया जा सकता है, शैकल किया जा सकता है, उसके पाँव में बेड़ियां डाली जा सकती है। दिस लॉ मेक्स द पुलिस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अमेनेबल,
ये कानून बनाता है पुलिस को बहुत ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह। द पुलिस विल हैव टू इन्फॉर्म कोर्ट विद इन 90 डेज इन द केस ऑफ कंप्लेन, और पुलिस को सूचित करना पड़ेगा कोर्ट को 90 दिन के अंदर अंदर जब आपका केस ऑफ कंप्लेन हो, शिकायत का कोई भी केस हो। आगे जा रहा है आपका एविडेंस की तरफ कि जो एविडेंस में इन्होंने चेंज किया है वो बहुत शानदार है, बहुत गजब है। एविडेंस को इन्होंने क्या चेंज किया, कितना पुख्ता बनाया है साक्ष्य के मामले में, वो देखिए आप। ये अधिनियम परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देता है। दिस एक्ट एनकरेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है इसका। यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा तो भी आपको नॉलेज काम आएगी। एनकरेजेस, ये एक्ट बढ़ावा देता है, किस चीज का बढ़ावा देता है, न्यू साइंटिफिक टेक्निक, जितनी भी अपनी आई है अभी, जितनी भी अपन यूज कर रहे हैं जो पहले नहीं थी, न्यू साइंटिफिक टेक्निक, न्यू साइंटिफिक टेक्निक। जितने भी नई साइंटिफिक टेक्निक आई है काई के लिए, टू रिकॉर्ड रिव्यूज अपील्स एंड विटनेसेस इन ब्रीफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इन ब्रीफ लीगल प्रोसेस टू रिकॉर्ड, लेकिन थोड़ा सा खोल के लिखते हैं तो अच्छा लगता है। टू रिकॉर्ड क्या क्या रिकॉर्ड, ये कह रहा है आपका रिव्यूज, जितने भी रिव्यूज होते हैं, पुनरीक्षण होता है रिव्यूज। दूसरा कह दिया आपने लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं मन में रिव्यूज। दूसरा है अपील्स, यानी कुल मिला के सभी में अपील्स एंड जितने भी गवाह हैं विटनेसेस, यानी कुल मिलाकर ब्रीफ आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स। दिस एक्ट एनकरेजेस, ये एक्ट बढ़ावा देता है न्यू साइंटिफिक टेक्निक, नई आपकी वैज्ञानिक पद्धति को, टू रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए रिव्यूज अपील्स एंड विटनेसेस। और क्या कहता है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कानूनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और इन्होंने इंक्लूड कर दिया, करेगा ही। लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी, पैसे में चले जाइए आप, लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी बनाई जा सकती है। लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी, पैसे में जाओगे आप, मेड ट्रांसपेरेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी फिर क्या दिक्कत है, फिर को मैनिपुलेशन हुई नहीं, इसका मेड ट्रांसपेरेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीधा जज ही बात कर लेगा उससे, फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको पारदर्शी बनाया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट को अमेनेबल बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, रोबस्ट बनाया जाएगा, वाइगोरस बनाया जाएगा, अमेनेबल रेस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। उस प्रजाति के सारे वर्ष आप याद कर लीजिए, यानी कौन कनेक्शन में चलेगा तो वो चलेगा, यही हम कह रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लीगल प्रोसीडिंग को जो है आपका पारदर्शी बनाया जा सकता है, इस सारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के थ्रू। और क्या होगा, साक्ष्य दीजिए मैं वो देखिए आप। यह नया कानून बलात्कार के पीड़ित व्यक्तियों की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दिस न्यू न्यू लॉ, ये नया जो कानून आया, नया एक्ट आया है, दिस न्यू नेसेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, यदि न्यू आ गया तो नेसेंट, नेसेंट लॉ, ये नया कानून क्या करता है, बनाता है, मेक्स क्या बनाता है, मैंडेटरी, बहुत जरूरी, ये मैंडेटरी बनाता है। दिस न्यू और नेसेंट लॉ मेक्स मैंडेटरी, अनिवार्य बनाता है, कंपलसरी बनाता है, अपरिहार्य बनाता है, इसमें एक बार और जोड़ लेना, इनएविटेबल। दिस न्यू और नेसेंट लॉ मेक्स मैंडेटरी और इनएविटेबल, ये नया कानून अनिवार्य बनाता है, किसको अनिवार्य बनाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम, उसकी रिकॉर्डिंग को भाई जरूरी है, पहले नहीं होता था अब होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम, वो
वो जो भी बोले, जैसे उसका रेप हुआ सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग। तो ये नया कानून अनिवार्य करता है, लाजमी करता है, अपरियाय करता है क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम की रिकॉर्डिंग को, कि जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ये बहुत आवश्यक है। और क्या करता है ये देखिए, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा, विच से जोड़िए, कनेक्टर से जोड़िए, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा, किस काम में मदद करेगा, वो बुलाइए, टू प्रोटेक्ट, संरक्षण करने के लिए, एक तो बचाएगा, टू प्रोटेक्ट एविडेंसेज, एविडेंसेज जोर कर देना, वहां लिख नहीं पाया मैं, एविडेंसेज, जो साक्ष्यों का संरक्षण करता है, करने में मदद करेगा, एंड और दूसरा क्या करेगा, प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंसेस, जो ओरिजिनल साक्ष्य है उनको प्रोटेक्ट करेगा और ओरिजिनल साक्ष्य को मैनिपुलेट करने से रोकेगा। एंड मैनिपुलेट वर्ब के रूप में ला रहा है आपको, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट ऑफ एविडेंसेस, यानी जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। एविडेंस जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, तो जो आपका एविडेंस रिकॉर्ड हो गया उसको प्रोटेक्ट करेगा और जो एविडेंस आपका रिकॉर्ड हो गया उसको मैनिपुलेट करने से रोकेगा। इसीलिए रेप विक्टिम की रिकॉर्डिंग को इनएविटेबल कर दिया, अपरियाय कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अनिवार्य कर दिया, लीगल प्रोसीडिंग में आप रिकॉर्ड करोगे रिव्यूज, अपील, विटनेसेस, सारी कार्यक्रम को, यानी कुल मिलाकर लीगल प्रोसेसिंग को एस मैक्सिमम एस पॉसिबल रिकॉर्ड करने पर ये फोकस करता है, स्ट्रेस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एम्फेसाइज करता है। रेप विक्टिम को रिकॉर्ड कर लिया तो एविडेंस का मैनिपुलेशन रुकेगा और एविडेंस का जो है प्रोटेक्ट होगा, वो अपने आप ही संरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार की नई तकनीक का ये अवतार साक्ष्यों की विश्वसनीयता को प्रबल करेगा। बहुत अच्छी लाइन, साक्ष्यों की विश्वसनीयता को प्रबल करेगा ये तकनीक का नया अवतार। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तकनीक को जोड़ा है। इस प्रकार, इन दिस वे द इनकार्नेशन, यानी अवतार, अवतार ही बोलेंगे, नया अवतार जो भी डिजिटल आया, पहले 10 साल पहले नहीं था, था तो इतना नहीं था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, ओरल एविडेंस था, अब डिजिटल एविडेंस सबसे ज्यादा चलेगा ही, वो सबसे ज्यादा जो मार्केट में चलेगा या लीगल प्रोसेसिंग में चलेगा वो आपका डिजिटल चलेगा। द इनकार्नेशन ऑफ न्यू टेक्निक, द इनकार्नेशन ऑफ न्यू टेक्निक, इस टेक्निक का नया अवतार क्या करेगा, प्रबल करेगा, मजबूत करेगा, सशक्त करेगा, हिंदी में कुछ भी बोल लीजिए, इंग्लिश में एक ही वर्ड है फोर्टिफाइज, इंग्लिश वाले वर्ड को उठाना है अपन को, फोर्टिफाइज बार बार आ रहा है, हिंदी में कुछ भी बोल लो, सशक्त करना, प्रबल करना, मजबूत करना, स्ट्रोंग को नहीं करोगे, स्ट्रोंग वर्ब नहीं है, या तो फिर स्ट्रेंथ भी नहीं करोगे, पहले उसको स्ट्रेंथन बनाओ फिर उसमें आप अपनी कलाकारी करो, उसको स्ट्रेंथन करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। द इनकार्नेशन ऑफ न्यू टेक्निक फोर्टिफाइज, तकनीकी का ये नया अवतार मजबूत करता है, प्रबल करता है क्या, विश्वसनीयता, साक्ष्यों की क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, जो भी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है किसकी, ऑफ एविडेंसेस, साक्ष्यों की विश्वसनीयता को प्रबल करेगा, एविडेंसेस की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको फोर्टिफाई करेगा क्या, तकनीक का, नई तकनीक का ये अवतार जिसको आपने डिजिटल का है उसका ये नया अवतार इसको मजबूत करेगा। पहले पिछले पार्ट में अपने बातचीत की आपके भारतीय न्याय संहिता की, अब बातचीत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, कि एविडेंस को कैसे मजबूत करवाएगा, ये क्या चीज इसमें ऐसा परिवर्तन किया है कि भारतीय न्याय प्रणाली अपने साक्ष्यों को मजबूत करते हुए
अपना जिसे कहते हैं कि वर्डिक्ट बहुत पॉजिटिव देगी, निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी और दोषी बच नहीं पाएगा। ये हमारी कहानी का सारांश है। द इनकार्नेशन ऑफ न्यू टेक्निक 45 क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस साक्ष्यों की थोड़ी नई तकनीक का ये अवतार मजबूत करती है, प्रबल करती है साक्ष्यों की विश्वसनीयता। एक बार रिपीट करते हैं फिर चलते हैं आगे। दिस एक्ट एनकरेजेज न्यू साइंटिफिक टेक्निक टू रिकॉर्ड रिव्यूज अपील्स और विटनेसेस। लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिस न्यू नेसेंट लॉ मेक्स मैंडेटरी और इनएविटेबल रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम which will help to protect evidences and manipulate of evidences in this manipulates of evidences. Evidence को protect करेगा और evidence के manipulation को रोकेगा, ये इसका target है। In this way the incarnation of new technique fortifies, double करती है, मजबूत करती है, सशक्त करती है क्या? Credibility, विश्वसनीयता of evidences, साक्ष्यों की, ये इसका बहुत बड़ा एक अच्छा side क्या बोलते हैं effect। Next आइए, अब फिर कहानी पैदा हो गई। अब इसने क्या डिफाइन किया वो देखिए। यदि कोई साक्ष्य किसी उपकरण या सिस्टम से पैदा होता है और प्रसारित होता है, इतनी टिपिकल लैंग्वेज को समझने के लिए अपने को वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली किसी को वो करते हुए, तो आपने उसे पैदा कर दिया, फिर उसे यूट्यूब पे डाल दिया, प्रसारित कर दिया, हो गई कहानी खत्म। ये कहना है कुल मिला के कि किसी भी कोई भी साक्ष्य किसी उपकरण या सिस्टम से पैदा होता है। उपकरण सिस्टम हो गया आपका मोबाइल, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, वो आपने पैदा कर ली, फिर उसको YouTube पे डाल दिया या उसको वायरल कर दिया, वो प्रसारित कर ली, बस यही कहना चाहते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। तो इफ एनी एविडेंस इज जनरेटेड, बहुत अच्छी चीज, इफ एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस, कोई कई बार लगता है कि भाषा थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन हमें तो एविडेंस की भाषा तो ऐसी होगी वो तो। इफ एनी एविडेंस इज जनरेटेड, पैदा की जाती है, पैदा होती है, अब अपने आप तो पैदा होगी नहीं, जनरेटेड, और उसको प्रसारित किया जाता है एंड टेलीकास्ट, टेलीकास्टेड नहीं होगा, आपको पहले ही बता दूं, पहले भी मैंने क्लास में बताया था टेलीकास्टेड नहीं होता है। आज ग्रामर भी काम आ गया, वर्ड भी काम आ गया। इफ एनी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य इज जनरेटेड, पैदा होता है, पैदा किया जाता है और टेलीकास्ट प्रसारित किया जाता है, हो गई कहानी खत्म। इसके द्वारा बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम, किसी भी उपकरण और सिस्टम के द्वारा, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें वहाँ लिखनी पड़ेगी साक्ष्य अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और सिस्टम के द्वारा, दोनों से हो सकता है, और सिस्टम के द्वारा, किसी भी प्रणाली के द्वारा, कोई भी एविडेंस यदि पैदा किया जाता है और प्रसारित किया जाता है तो एविडेंस एक्ट क्या करेगा? ये आपका पैसिव हो गया, टेलीकास्ट में ईडी नहीं आएगा, जनरेटेड में ईडी आएगा। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, टेलीकास्टेड मत करना, जी नंबर कट जाएंगे। तो दिस सेमिनल इंफॉर्मेशन इज, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो ऐसी हुई है, ये जो भी कहानी बनी है, दिस सेमिनल, दिस सेमिनल इंफॉर्मेशन, ये महत्वपूर्ण सूचना जो आपने जनरेट की है, टेलीकास्ट की है, वो इज डिफाइंड बाय दिस न्यू लॉ, इज डिफाइंड, ये हमको लाना था यहां पर कुल मिला के, डिफाइंड बाय भारतीय, भारतीय साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य न्याय एक्ट है अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसने परिवर्तित कर लिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसमें जितने भी सेक्शन जुड़े हैं वो डिजिटल पे जुड़े हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जितने भी सब सेक्शन और सेक्शन जुड़े हैं वो केवल डिजिटल के जुड़े हैं और कोई परिवर्तन नहीं, और पहले वाला है डिजिटल, डिजिटल एंड डिजिटल, इसलिए हमने डिजिटल को हाईलाइट किया, कचरे को कहीं पे नहीं लेके आए। इफ एनी एविडेंस इज जनरेटेड एंड टेलीकास्ट, कोई भी एविडेंस पैदा किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, हमारा मोबाइल, बाय सिस्टम, हमारा लैपटॉप, तो दिस सेमिनल इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये परिभाषित हुआ है। डिजिटल पे बहुत जोर आया है, इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट कर लो, इंफॉर्मेशन में के बाद, इंफॉर्मेशन के बाद कभी एस नहीं आता है और इससे पहले डायरेक्ट एन नहीं आएगा।
ये इंपॉर्टेंट कर लेना। इंफॉर्मेशन से पहले डायरेक्ट एन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन के बाद डायरेक्ट एस नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है और इंफॉर्मेशन से पहले एन इंफॉर्मेशन नहीं होता है। आप बोलो ए सूचना, तो आप बोलोगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बोलो सर बहुत सारी सूचना, तो मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। गलती से मत कर देना, नहीं हम ग्रामर के जाल में फंस जाएंगे। आगे आगे और भी अच्छी बात कहता है, ये अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता, अखंडता और विश्वसनीयता के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। ये अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता, अखंडता और विश्वसनीयता के विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। कैसे? दिस एक्ट डिटरमाइन, तय करता है ये, दिस एक्ट, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, दिस एक्ट डिटरमाइंस, डिटरमाइन ही तय करना, डिटरमाइंस विशिष्ट स्पेसिफिक, विशिष्ट स्पेसिफिक बहुत ही स्पेसिफिक मापदंड, स्पेसिफिक यार्ड स्टिक्स, यार्ड स्टिक्स यानी मापदंड को कहते हैं जो आपके पैमाना है, यार्ड स्टिक्स। और नहीं वो भूल जाओ तो मेजरमेंट भी कर देना, ऐसे दिमाग में नहीं आए, मेजरमेंट्स भी कर देना, मेजरमेंट्स भी कर देना, क्योंकि वो भी आपके पैमाने होते हैं। यार्ड स्टिक अच्छा वर्ड है। दिस एक्ट डिटरमाइंस स्पेसिफिक यार्ड स्टिक और मेजरमेंट, विशिष्ट पैमाने, विशिष्ट मापदंड, मापदंड आपके निर्धारित करता है। किसके बारे में? यार्ड स्टिक और मेजरमेंट निर्धारित करता है किसकी? तीन चीजों की। पहला प्रामाणिकता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता ऑफ प्रामाणिकता, दूसरा है आपका अखंडता, तीसरा विश्वसनीयता। हिंदी के तीन अच्छे वर्ण हैं, अच्छे से कर लो। दिस एक्ट डिटरमाइन स्पेसिफिक यार्ड स्टिक और मेजरमेंट ऑफ किस किस को? सबसे पहले लिया इन्होंने प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता, और दूसरा लिया इन्होंने अखंडता, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अच्छे वर्ड है हिंदी में भी, अखंडता। ये साक्ष्य निर्धारित करता है विशिष्ट मापदंड किसकी? ऑथेंटिसिटी की, इंटीग्रिटी की, और तीसरा लिया इन्होंने क्रेडिबिलिटी की, विश्वसनीयता की, एंड क्रेडिबिलिटी। ये आपका कहाँ जा सकता है? ये कंटेंट ई गवर्नेंस में भी जा सकता है, ई कोर्ट में भी जा सकता है, ये कंटेंट आपका ई गवर्नेंस में भी जा सकता है, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट हो गए ई कोर्ट, ई कोर्ट हो गया तो इधर भी ला सकते हैं, पर वो दो ऐसे को भी इधर ले आ सकते हैं बहुत अच्छे से। दिस एक्ट डिटरमाइन स्पेसिफिक यार्ड स्टिक और मेजरमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के लिए विशिष्ट पैमाने तय कर दिए भैया। इसमें डिटरमाइन होगा, इसमें डिटरमाइन होगा, इसमें डिटरमाइन होगा। और क्यों? इस कारण किसी भी परिस्थिति में डिजिटल डेटा के साथ छेड़छाड़ और दुरुपयोग नहीं हो सकता। कर दिया इन्होंने फिक्स। सो डिजिटल डेटा कैन नॉट बी, जो भी डिजिटल डेटा है हमारा, इतना जबरदस्त इन्होंने उसे बुलेट प्रूफ किया है, वो देखिए आप। सो डिजिटल डेटा, ये तीन ऐसे में जाएगा, कंटेंट ई गवर्नेंस में, ई कोर्ट में, और कोई भी ऐसी कहानी में जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा ऊपर किया जाएगा डिजिटल को। सो डिजिटल डेटा कैन नॉट बी, सो डिजिटल डेटा कैन नॉट बी टेम्पर्ड एंड मिसयूज्ड इन एनी केस, ना तो टेम्पर हो सकता है वो, टेम्पर्ड एंड मिसयूज्ड इन एनी केस, मिसयूज्ड इन एनी केस।
इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जोड़ा जा सकता है, एआई में, एआई में भी जा सकता है, क्योंकि है तो उसी का काम, वो भी तो यही है ना कि साहब ऐसा कर दो तो हमारा क्या है, मानव मशीन का काम करेगा, वो एआई है तो मानव मशीन का ही काम कर रहा है, इसको इतना पुख्ता कर दिया कि मानव भी क्या काम करेगा, हम कुछ चीज देखें उसको उतना डिफाइन नहीं कर सके जितना हमारा मोबाइल देखेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, तो वो ज्यादा पावरफुल कि हम ज्यादा पावरफुल, वही ज्यादा पावरफुल है, जैसा आप कहेंगे मैं तो इस पर रिलीज करूंगे, कोड ये कहेगा आप तो इस पर रिलाई करेंगे, तुम्हारा देखा तुम तो मैनिपुलेट भी हो सकते हो, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, तो यही कह रहा है, सो डिजिटल डेटा कैन नॉट बी टेम्पर्ड, जितना भी डिजिटल डेटा है ना तो वो टेम्पर्ड हो सकता है ना मिसयूज हो सकता है, इन एनी केस वो तो हो गया जो हो गया, इंसान को तो फिर भी खरीद के गवाही को बदला जा सकता है, उसको क्या बदलोगे, वो तो जो है वो नजर आ रहा है, तो ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी को इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक यार्ड स्टिक इसके लिए बना दिए, और आगे देखिए इस अधिनियम ने डीएनए के साथ तो पूर्ण रूप से विश्वसनीयता को बढ़ा दिया है, फिर डीएनए पे आ जाओ, फिर अगला चलो, बहुत अच्छा मैटर चल रहा है, इसको अच्छे से थोड़ा सा हैंडल करना, क्योंकि ये हमारा कंटेंट साइंस के या डिजिटल में या ई गवर्नेंस में या ई कोर्ट में कहीं पर घूमने के लिए कैपेसिटी रखता है, तो देखिए दिस एक्ट हैज इंक्रीज, दिस एक्ट बढ़ा दिया हैज इंक्रीज क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता या रिलायंस भी कर सकते हो, रिलायंस का मतलब भी भरोसा विश्वसनीयता होती है, ये वर्ड दो दो तीन बार आ चुका है, इसलिए दिस एक्ट हैज इंक्रीज क्रेडिबिलिटी और रिलायंस, इसने बढ़ा दिया है क्या, क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस थ्रोली, रिलायंस क्रेडिबिलिटी इंक्रीज क्रेडिबिलिटी और रिलायंस ऑफ डीएनए, डीएनए का जो भी आपका साक्ष्य है डीएनए एविडेंस कर दो आप, क्रेडिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस थरोली, थरोली का मतलब पूर्ण रूप से, डीएनए का पहले जो साक्ष्य था और अब जो साक्ष्य आएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा अकॉर्डिंग दिस एक्ट थरोली, ये वैसे भी बहुत अच्छा डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है इंटरव्यू में, इसलिए थोड़ा सा जब आप जाएं तो नए कानूनों को थोड़ा सा अच्छा पढ़कर जाएं, क्योंकि अच्छा नॉलेज है करंट के हिसाब से, डीएनए एविडेंसेस थरोली, आगे नया साक्ष्य अधिनियम विशेषज्ञ की राय को मेडिकल राय और लिखावट का धरातल बनाता है, पहले से और स्ट्रॉन्ग बना दिया, पहले से और स्ट्रॉन्ग कर दिया इन्होंने, द न्यू लॉ, इतना ही लिख दो, द न्यू लॉ बनाता है क्या, बनाता है क्रिएट्स बनाता है सरफेस, धरातल बनाता है सरफेस को भी वर्क के रूप में काम में ले सकते थे, कोई जरूरी क्रिएट लगाए अपन, द न्यू लॉ सरफेस से भी कर सकते थे, नया अधिनियम बनाता है सरफेस, नया अधिनियम एक सरफेस क्रिएट करता है किस चीज की, ओपिनियन ऑफ एक बहुत अच्छा सरफेस क्रिएट करेगा, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो भी पहले राय थी उससे और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दिया ने, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सरफेस, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट वो एक धरातल बनाता है आपके एक्सपर्ट की राय को, काहे के लिए, फॉर मेडिकल एंड राइटिंग ओपिनियन, फॉर मेडिकल एंड राइटिंग ओपिनियन, और स्ट्रॉन्ग कर दिया पहले से, एक्सपर्ट की राय के लिए इस साक्ष्य को पहले से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कर दिया इस बारे में कि मेडिकल और राइटिंग ओपिनियन को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, यदि वो एक्सपर्ट ओपिनियन पहले 90% पे थी तो अब 100% पे लाके खड़ा कर दिया, ये नए एक्ट में बदलाव किया है, आपके डिजिटल को बढ़ावा दिया है, डीएनए एविडेंस को और पुख्ता कर दिया है, यानी कोई बचेगा, निर्दोष को सजा नहीं और दोषी बचेगा नहीं, ये इसकी कहानी है कुल मिला के, वो हिला रहे हैं अपन, ये आपराधिक न्याय प्रणाली पुख्ता सबूतों के आधार पर निर्दोष होने की अवधारणा पर जोर डालती है, यानी इसमें फंसेगा
तो दोषी आपका निर्दोष नहीं फंसेगा। इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं दिस जुडिशियल सिस्टम, यानी सभी आ गए इसमें, दिस जुडिशियल सिस्टम, ये न्यायिक प्रणाली जो डालती है एम्फेसाइजेस साथ और नहीं आएगा, एम्फेसाइजेस कंसेप्ट ऑफ इनोसेंसी, यानी निर्दोष को सजा नहीं होगी, दोषी बचेगा नहीं, कंसेप्ट ऑफ इनोसेंसी, निर्दोष होने की अवधारणा पर ये फोकस करती है, इनोसेंसी पर फोकस करती है, और ऑन बेसिस ऑफ वाइटल एविडेंस, ऐसे नहीं कि साहब हाँ कोई भाई भतीजावाद है, ऑन बेसिस ऑफ, हमने एक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, ऑन बेसिस ऑफ वाइटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एविडेंस को पुख्ता कर दिया, वाइटल एविडेंसेस, इसके पांच वर्ड लिख लो, जोर डालने के, जोर देना, प्रबल बनाना, कुछ भी आ सकता है, सेव कर दो, SAFE, कोई सा वर्ड ले लेना जो आपको अच्छा लगे, स्ट्रेस का मतलब जोर देना, एसेंचुएट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एसेंचुएट भी जोर डालना, फोकस भी जोर डालना, और एम्फेसाइज भी जोर डालना, कंसंट्रेट आता है आपको, छोड़ो उसको, देखो तो लिख लो, कंसंट्रेट, स्ट्रेस, एसेंचुएट, फोकस और एम्फेसाइज, जोर देना, किसी जगह प्रबल बनाना, किसी जगह कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन कर देना, कोई भी चीज जो भी आप हिंदी में बोलो, सेफ ड्राइविंग में जोर दे लो आप, स्ट्रेस, एसेंचुएट, फोकस और एम्फेसाइज। तो आइए लास्ट में साक्ष के आज के पार्ट का डिस्कशन, दिस एक्ट हैज इंक्रीज, इसने बढ़ा दिया है क्रेडिबिलिटी और रिलायंस ऑफ DNA एविडेंस, जो भी DNA की विश्वसनीयता थी उसको और बढ़ा दिया है थरोली पूर्ण रूप से। द न्यू लॉ क्रिएट सरफेस, ये धरातल बनाता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की राय के लिए धरातल बनाता है काहे के लिए, फॉर मेडिकल एंड राइटिंग ओपिनियन की जो एक्सपर्ट की जो राय होगी इसके लिए बहुत अच्छा सरफेस बनाता है ये। दिस जुडिशियल सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम एम्फसाइज, जोर देता है, प्रबल करता है कंसेप्ट ऑफ इनोसेंसी, निर्दोष होने की अवधारणा को, और बेसिस ऑफ वाइटल एविडेंसेस के आधार पर, यानी निर्दोष को सजा नहीं होगी।